अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब? भाई सो एवरीवन इज फाइन। आज हम हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर, नेट गैट, यूजीसी नेट, और उसके अलावा एग्जाम्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही वाइडली यूज टॉपिक है, जिसमें से अगर पेपर बनाया जाए तो कंप्यूटर का कोई भी पेपर बने तो इसमें से अगर वो एमसीक्यूज ना उठाए तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने 50 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे विद लॉजिक। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा क्या कहता है कि टेस्टिंग डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कहता है ऐसी टेस्टिंग जिसके अंदर आप ना तो कोई प्लानिंग करते हो ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, तो इसको एडहॉक टेस्टिंग बोलते हैं। एडहॉक टेस्टिंग का नाम रैंडम टेस्टिंग भी है, इसको रैंडम टेस्टिंग भी कहते हैं और इसको मॉन्की टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कोई प्लानिंग नहीं करते और कोई इसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते और ये हम रैंडम नहीं करते हैं, इसमें कोई प्लान नहीं होता हमारा। टेस्टिंग का असल काम क्या होता है? असल काम ये होता है हमने टेस्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है, हमने डिफेक्ट्स फाइंड करने होते हैं और ये देखना होता है क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द टेस्टिंग। कहता है कि टेस्टिंग को कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है? टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने इवेल्यूएट करना होता है डिलीवरेबल को टू फाइंड द एरर। जो आप डिलीवर आप किसी कस्टमर को दे रहे हो, आपने उसमें से क्या करना होता है? एरर्स को फाइंड करना होता है कि आया कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये एरर फ्री है या नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिंग का मकसद ये होता है। कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएटिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम टू डायरेक्ट difference between the given input and the expected output। हम इसमें ये करते हैं कि इनपुट देते हैं और उसमें आउटपुट चेक करते हैं, फिर उनको evaluate करते हैं आया कि हमारा हमारी यूजर की नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद एमसीक्यू आता है व्हाट इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि इसके अंदर आपने ऑल पॉसिबल पाथ फाइंड करने होते हैं। क्या करना होता है इसमें? ऑल पॉसिबल पाथ फाइंड करने होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, कहता है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज द सॉफ्टवेयर मेट्रिक यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चर वाइट बुक टेस्टिंग, इट मेनली यूज टू वैल्यूएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की क्या करता है? कॉम्प्लेक्सिटी को वैल्यूएट करता है। नेक्स्ट मैं नीचे डिस्क्राइब करता हूँ कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से हम देखते हैं कि होती क्या है। और ये जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये वाइट बुक्स के अंदर, वाइट बॉक्सिंग के अंदर हम चेक करते हैं। वाइट बॉक्स एक टेक्निक होती है टेस्टिंग की, जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर तक चेक करते हैं। टेस्टिंग के अंदर हम इवन के ईच मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के अंदर हम कोर लेवल तक चेक करते हैं, इवन के वेरिएबल्स को चेक करते हैं, फंक्शंस को चेक करते हैं, मॉड्यूल्स को चेक करते हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वाइट बॉक्स के अंदर चेक की जाती है। और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि हम ऑल पॉसिबल पाथ चेक करते हैं कि जो एक हमने इनपुट दी है वो किन किन पाथ से गुजर के हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कहता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। कहता है कि ये आपको इंडिपेंडेंट पाथ देती है किसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और इसको हम कैसे कवर करते हैं? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम इसको चेक करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मीन हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इवन के स्ट्रक्चर तक का चेक करते हैं किसी भी प्रोग्राम का। तो हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, ये आपके पास एक देखें ये एक रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स है। तो रेड बॉक्स से ब्लू बॉक्स तक जाने के मल्टीपल पाथ है आपके पास। देखें, एक पाथ आपको ये नजर आ रहा होगा, ये डायरेक्ट पाथ आपको नजर आ रहा होगा। एक पाथ आपको ये देखें ये वाला साइकिल नजर आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक साइकिल आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, और फिर आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। मतलब आप मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पाथ फाइन करते हो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। और ये व्हाइट बॉक्सिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, कहता है कि लोअर एंड अपर लिमिट्स आर प्रेजेंट इन विच चार्ट। कहता है कि हमारे पास जो लोअर और अपर लिमिट, ये देखिए ये मैंने डायग्राम भी नीचे बनाई हुई है। ये देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो ये लोअर और अपर लिमिट किस में चेक की जाती है? ये रन चार्ट के अंदर चेक की जाती है। इसके अंदर हम टाइम के हिसाब से किसी वेरिएबल का बिहेवियर चेक करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कोई वेरिएबल किस हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कोई चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये रन चार्ट के अंदर होता है। तो ये देखिए नीचे टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है और ये हमने वैल्यू लिखी हुई है। तो ये इस हिसाब से इसका जो चेंज आ रहा है। नेक्स्ट कहता है कि मेंटेनेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग विच मेथोडोलॉजी। तो जो मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग कब परफॉर्म करते हैं? जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है तो
सॉफ्टवेयर बनने के बाद सारी जिंदगी उसकी क्या चलती रहती है, मेंटेनेंस चलती रहती है। मेंटेनेंस मतलब उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करना या उसकी रिलायबिलिटी को या उसकी प्रोसेसिंग को इंप्रूव करना, तो ये आता है मेंटेनेंस टेस्टिंग के अंदर आता है। तो मेंटेनेंस टेस्टिंग आप तब करते हो जब आपका सॉफ्टवेयर बन चुका होता है और बनने के बाद आप उसको डिप्लॉय कर चुके होते हैं और उसके बाद उसके अंदर मेंटेनेंस आती रहती है सारी जिंदगी। तो ये ब्रेथ टेस्ट और डेप्थ टेस्ट के अंदर आप इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि व्हाइट बॉक्स टेक्निक आर आल्सो क्लासिफाइड एज, कहता है कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है इसको आप स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हो। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इनसाइड स्ट्रक्चर चेक करते हो, किसी भी सिस्टम को इनरली चेक करते हो कि आया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से वर्किंग कर रही है। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के दो तीन नाम और भी हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, और इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसी के सारे नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपके पास, कहता है द टेस्टिंग इन विच द कोड इज चेक्ड, कहता है कि वो टेस्टिंग जिसके अंदर आप कोड चेक करते हो। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, ये बिहेवियरल टेस्टिंग होती है। इसके अंदर आप जस्ट इनपुट देते हो और चेक करते हो कि आउटपुट आपकी क्या आ रही है। तो इसके अंदर आपने और कुछ नहीं चेक करना होता, जस्ट आपने बिहेवियर चेक करना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेक करना होता है। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपने हर चीज को चेक करना होता है, आपने कोड का स्ट्रक्चर से लेके कोड के बिहेवियर तक हर चीज को आपने क्या करना होता है, एग्जामिन करना होता है। कहता है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ये ब्लू बॉक्स के अंदर, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द मेथड ऑफ द टेस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट टेस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर चेक किया जाता है और वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन चेक की जाती है। नेक्स्ट कहता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या होती है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग आप कब परफॉर्म करते हो। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, और क्या उसको कहते हैं, सैनिटरी टेस्टिंग है। तो ये वो आप उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि आपने देखें एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई आपने नया मॉड्यूल ऐड किया है। अब आपने क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर की हर टेस्टिंग को परफॉर्म करना है, उसके सारे सॉफ्टवेयर के सारे टेस्ट दोबारा से होंगे, रीटेस्ट होंगे, और आपने हर मॉड्यूल को हर टेस्ट केस के साथ क्या करना है, चेक करना है। एक टेस्ट केस को आपने मल्टीपल क्या उसको कहते हैं फंक्शंस के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। अब ये कहता है कि इम्प्रैक्टिकल होती है, अब ऐसा करते नहीं हूँ, लेकिन पॉसिबल है। आप इम्प्रैक्टिकल होती है मतलब हम इसको ज्यादातर करते नहीं है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को, लेकिन ये पॉसिबल है। तो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट बॉक्स टेक्निक, तो व्हाइट बॉक्स टेक्निक के अंदर आप स्टेटमेंट टेस्टिंग चेक करते हो, डिसीजन टेस्टिंग भी चेक करते हो, और कंडीशन कवरेज भी आप चेक करते हो, हर चीज इवन आप चेक करते हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। कहता है व्हाट आर द वेरियस टेस्टिंग लेवल्स, कहता है कि सबसे ये यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, तो सारे के सारे ये क्या है आपके पास टेस्टिंग लेवल्स हैं। यूनिट टेस्टिंग होती है कि आप किसी एक सिंगल मॉड्यूल को चेक कर रहे हो, किसी सिंगल फंक्शन को चेक कर रहे हो। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, आप सारे सिस्टम को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, सिस्टम की हर चीज को चेक कर रहे हो, सिस्टम के हर मॉड्यूल को चेक कर रहे हो, उसके ओवरऑल वर्किंग को चेक कर रहे हो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि जब आप एक या दो या तीन या चार मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करते हो, उनको आपस में मिक्स करते हो या आपस में मिलाते हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो ये सारे मेथड है टेस्टिंग के। कहता है बाउंड्री वैल्यूज आर एनालिसिस बिलोंग टू विच, तो बाउंड्री लेवल हम किस में चेक करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम चेक करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम जस्ट बिहेवियर चेक करते हैं, बिहेवियर के अंदर हम ये चेक करते हैं आया कि ये हमारे यूजर की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब यूजर एक इनपुट दे रहा है और बदले में जो आउटपुट आ रही है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, यूजर की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अल्फा टेस्टिंग। अच्छा, जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है ना, तो उसके बाद जो सबसे फाइनल और जो सबसे आखिरी टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं, और वो डेवलपर एंड के ऊपर होती है। देखें सॉफ्टवेयर हमने सपोज एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, आपने कल एक सॉफ्टवेयर है जो कल आपने किसी कंपनी के अंदर जाके उसको आपने डिप्लॉय करना है, तो आप क्या करोगे, कंपनी के अंदर डिप्लॉय करने से पहले आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर उसको क्या करोगे, आखिरी दफा उसकी टेस्टिंग करोगे। तो वो डेवलपर करता है टेस्टिंग और इसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। इसके साथ रिलेटेड है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग को आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हो। बीटा टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, और बीटा टेस्टिंग यूजर करता है। अल्फा टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर करता है, और सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर होती है। और बीटा टेस्टिंग कौन करता है, ये
यूजर करता है और ये यूजर के इन्वायरमेंट के अंदर होती है, मतलब यूजर की ये कंपनी है उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, आपने सॉफ्टवेयर को वहां पे लगा दिया, चला दिया वहां पे। अब यूजर क्या करेगा, उसको चेक करेगा आया कि ये सॉफ्टवेयर सही बना है या नहीं बना, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग बोलते हैं और इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूजर ने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, कहता है कि बीटा टेस्टिंग इज डन एट, ये यूजर एंड के ऊपर होती है, ठीक है हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, तो जो आपके पास फंक्शनल टेस्टिंग वो होती है जो यूजर की फंक्शनैलिटीज को पूरा कर रहे हो, जिस तरह ब्लैक बॉक्स के अंदर आप चेक करते हो कि यूजर की फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है या नहीं होती, यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि आया कि ये मॉड्यूल यूजर की नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। इसके अंदर हमने ये नहीं चेक करना होता कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने ये चेक करना होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना रिलायबल है, कितनी इसके अंदर रिलायबिलिटी पाई जा रही है, तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। कहता है स्पाइस, SPICE, SPICE stand for, तो ये आपके पास SPICE क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। कहता है SPICE आपके पास एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है फॉर असेसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिप्लॉयड जॉइंटली बाई द ISO एंड IEC, तो ये दो आपके पास क्या उसको कहते हैं, समझ लीजिए कंपनीज हैं या बड़े लेवल के ऊपर रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक IEC है, इन दोनों ने मिला के जो रूल बनाया है सॉफ्टवेयर की असेसमेंट का, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर द असेसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस की असेसमेंट को चेक करने के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसको बोलते हैं स्पाइस, और ये स्टैंड फॉर होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन, ये एंड वाले में डी आता है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ई को मैंने कैपिटल किया हुआ इस वजह से, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट and capability determination. Next MCQ आता है आपके पास, कहता है unit testing is done by, तो unit testing कौन करता है, आपका developer कर रहा होता है, unit testing कौन perform करता है, आपका developer करता है जो उस unit को बना रहा होता है, जो उस module को बना रहा होता है, जो उस function को बना रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल टेस्टिंग कौन सी होती है, बिहेवियरल टेस्टिंग वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं किसी सॉफ्टवेयर का बिहेवियर चेक करते हैं, आया कि ये सॉफ्टवेयर सही से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इसको हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा, ये इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी चेक करते हो, लेकिन आप अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर इसके अंदर क्या करते हो, चेक कर रहे हो। तो मैंने व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई है, इसका कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कहता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन सी होती है, कहता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप बाउंड्री वैल्यूज को चेक करते हो, मतलब आपने इनपुट क्या दिया और बदले में आपको आउटपुट क्या मिली, आप इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखते, आप कोड का स्ट्रक्चर नहीं चेक करते, आप किसी भी और बिहेवियर को चेक नहीं करते, आप इसके अंदर जस्ट क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर इसके बिहेवियर को आप चेक करते हो, इसके अंदर आप ये चेक करते हो कि आपने जो इनपुट दिया उसके मुताबिक इसके आउटपुट आ रही या नहीं आ रही, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि इनसाइड द जो सॉफ्टवेयर वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह से वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, किस तरह से वो प्रोसेसिंग कर रहा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो दो चीजें यूज होती है यहाँ पे, एक है KLOC है जिसका मतलब होता है 1000 लाइंस ऑफ द कोड है, और दूसरा होता है फंक्शन पॉइंट्स, ये दो चीजें यूज की जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज मेजर करने के लिए, लेकिन साइज ऑफ मॉड्यूल कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप किसी सॉफ्टवेयर का साइज चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन पॉइंट क्या होता है, कहता है फंक्शन पॉइंट आर यूज टू कंप्यूट द फंक्शनल साइज मेजरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, द कॉस्ट ऑफ द सिंगल यूनिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट, तो फंक्शन पॉइंट के अंदर ये होता है कि देखें किसी एक फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए इसके लिए कितनी नंबर ऑफ लाइंस यूज हो रही हैं, तो फंक्शन पॉइंट से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन की कितनी लाइन्स होंगी, इस फंक्शन की कितनी लाइन्स होंगी, इस फंक्शन की कितनी लाइन्स होंगी, उस हिसाब से हम क्या करते हैं उसका एक आइडिया जनरेट कर लेते हैं। आइडिया कैसे जनरेट करेंगे, हमने उससे पहले जो पास्ट में प्रोजेक्ट बनाए होंगे उनसे हम आइडिया लेंगे, अच्छा पास्ट के अंदर हमने इस तरह का फंक्शन बनाया था तो इतनी लाइंस ऑफ कोड हमें यूज करनी पड़ी थी, अब फ्यूचर के अंदर हम ये एक नया सॉफ्टवेयर बनाने लगे तो इसके अंदर हमें कितनी लाइनें क्या उसको बनेंगी, तो इससे हम क्या कर लेते हैं एक आइडिया जनरेट हो जाता है, हमारे पास आइडिया आ जाता है कि इस तरह के फंक्शन को बनाने के लिए इतनी लाइंस हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट कहता है कि सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज अ सेट ऑफ द एक्टिविटीज डेट कैन बी प्लान इन एडवांस एंड कंडक्टेड सिस्टमेटिकली, कहता है सॉफ्टवेयर डिबगिंग आपके पास क्या होता है, कहता है कि आपके पास ऐसी एक एक्टिविटी होती है जो प्लान होती है और आप इसको इन एडवांस
इन एडवांस आपके पास प्लान होती है और आप इसको कंडक्ट करते हो सिस्टमेटिकली, तो ये सॉफ्टवेयर डिबगिंग नहीं होता, डिबगिंग ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके पास, आप इन एडवांस प्लान करते हो और इसको आप कंडक्ट करते हो सिस्टमेटिकली, जिसके डिफरेंट टाइप्स है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, और इसके अलावा स्मोक टेस्टिंग है, सैनिटरी टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये सारी सारी टेस्टिंग होती है जिसको आप परफॉर्म करते हो। तो ये जो डिबगिंग होता है, डिबगिंग आपके पास एक प्रोसेस होता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस इन विच वी फाइंड द एरर्स एंड रिमूव देम। ये डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, जो मॉड्यूल बना रहा होता है, तो ये उसी टाइम ही कर लेता है, ठीक है। इसके लिए कोई हमें अलग से प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें इसको सिस्टमेटिकली हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फॉल्स। अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता इस जगह पे, तो फिर इसका आंसर ट्रू होना था। अच्छा, ITG स्टैंड फॉर, सबसे पहले ITG होता क्या है? ITG ये होता है कि आपके पास, ITG मैं एक्सप्लेन बताता हूँ क्या होता है। कहता है द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप, द रोल ऑफ द, इसका एब्रीवेशन होता है इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है रिमूव द इनहेरेंट प्रॉब्लम। देखिए, एक क्लास को जब दूसरी क्लास में इनहेरेंट किया जाता है, तो उस दरमियान जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या एक कोड को दूसरे कोड के, एक क्लास के कोड को दूसरे क्लास के अंदर आप यूज करते हो, तो इनहेरेंट प्रॉब्लम आती है जब आप उसके अंदर वो करके इनहेरिटेंस करते हो। तो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है? ITG यूज होता है, इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप्स यूज करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से कहता है, कहता है कि बाय कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करते हो? ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट इज पॉसिबल टू डेवलप द मीनिंगफुल गाइडलाइंस टू हार्ड द टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसके लिए ऑप्शन यूज होती है मैट्रिक्स। क्या यूज होती है? मैट्रिक्स। कहता है बाय कलेक्टिंग द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ये एक टेबल होता है, जिस टेबल टाइप होता है, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट इज पॉसिबल टू डेवलप द मीनिंगफुल गाइडलाइन टू हार्ड द टेस्टिंग प्रोसेस। कहता है टेस्टिंग प्रोसेस को हार्ड करने के लिए जो आपके पास मीनिंगफुल गाइडलाइंस होती हैं, वो किसके अंदर होती हैं? वो मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, कहता है कि टेस्ट केसेस शुड अनकवर एरर लाइक, कहता है जो टेस्ट केसेस होते हैं वो कौन सी एरर्स को अनकवर करते हैं? कहता है नॉन एग्जिस्टेंट लूप टर्मिनेशन। कहता है जो टेस्ट केस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नॉन एग्जिस्टेंट लूप टर्मिनेशन। कहता है ऐसे लूप जो टर्मिनेट नहीं हो रहे होते, उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है उनको फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस लूप टर्मिनेशन होती है, आप ये फाइंड करते हो इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि व्हाट इज नॉर्मली कंसीडर एज अ एडजंक्ट टू द कोडिंग स्टेप। तो ये यूनिट टेस्टिंग होता है, कैसे होता है? एडजंक्ट का मतलब होता था, मैंने मेरे जहन से निकल गया, कहता है आफ्टर सोर्स लेवल कोड हैज बीन डेवलप्ड रिव्यूड एंड वेरीफाइड फॉर करस्पोंडेंस टू द कंप्यूट कंपोनेंट सॉरी कंपोनेंट लेवल डिजाइन यूनिट टेस्ट केस डिजाइन बिगिन। तो एडजंट का मीनिंग क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ। एडजंट, जंक का मतलब ये होता है कि आप देखें किसी चीज को ज्वाइन करते हो, आप क्या करते हो? किसी चीज को ज्वाइन करते हो किसी चीज के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजंक्ट बोलते हैं उसको। तो ये कहां चला गया? तो इसको आप क्या बोलते हो? एडजंक्ट बोलते हो। यूनिट टेस्टिंग के अंदर कहता है कि व्हाट इज नॉर्मली कंसीडर एज एन एडजंक्ट टू द कोडिंग स्टेप। तो ये यूनिट टेस्टिंग होती है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो? यूनिट जो आपके पास होते हैं उसको आप इंटीग्रेट करते हो दूसरे मॉड्यूल्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी और लेंथी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।